पूरे देश में आज़ादी के 75वीं वर्ष पूरा होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में कांटी कॉलोनी से सीआरपीएफ के बटालियन ने तिरंगा यात्रा निकाली। वही आपको बता दें कि सीआरपीएफ के नेतृत्व में हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत सरकार के इस अभियान को लेकर बटालियन के जवान मुख्यालय के साथ आसपास के गाँव में भी पहुँचे, साथ ही लोगों से अपील की। वही आपको बता दें कि स्कूल, अस्पताल और बैंक आदि स्थानों पर पहुंचकर भी तिरंगा अभियान को सफल बनाने का कार्यक्रम चलाया गया हुआ है। साथ अधिकारियों और जवानों ने तिरंगा के साथ नगर परिषद कांटी के सभी प्रमुख स्थल होते हुए बाइक रैली निकाली गई। साथ ही जगह जगह पर सभी लोगों को तिरंगा झंडा दिया गया है, रखा गया था। और क्या कुछ कहना चाहें? धन्यवाद। 75वां स्वतंत्रता दिवस एवं आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सीआईएसएफ इकाई केबिनल कांटी के इकाई प्रशासन द्वारा 10 अगस्त को मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें इस इकाई के 70 बल सदस्यों ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ बड़े उत्साह के साथ मोटरसाइकिल रैली निकाली। और ये मोटरसाइकिल रैली कांटी के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए तकरीबन 20 किलोमीटर का सफ़र तय कर वापस कांटी के आवासीय परिसर में इसका समापन किया। साथ ही 13 अगस्त को संयुक्त रूप से सीएसएफ के बल सदस्यों एवं एनटीपीसी के कर्मचारी एवं अधिकारीगण, साथ ही डीएवी स्कूल के बच्चों द्वारा प्रभात फेरी में बहुत उत्साह के साथ भाग लिया गया। यह प्रभात फेरी केबिनल कांटी के आवासीय परिसर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए वापस इसका समापन आवासीय गेट पर किया गया। साथ ही हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत हमारे इकाई प्रशासन द्वारा कांटी के नज़दीकी ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय ध्वज का वितरण किया गया। साथ ही हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत केबिनल कांटी के आवासीय परिसर के सभी आवास पर राष्ट्रीय ध्वज को लगाया गया। इसके साथ ही हमारे संयंत्र क्षेत्रों के महत्वपूर्ण भवनों पर भी राष्ट्रीय ध्वज को लगाया गया। कार्यक्रम हम लोगों ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया। इसमें न केवल सीएसएफ के बल सदस्य बल्कि एनटीपीसी के कर्मचारी एवं अधिकारीगण ने, साथ ही हमारे प्यारे बच्चे जो डीएवी स्कूल के हैं, इन्होंने बहुत ही उत्साह के साथ भाग लिया और उन्होंने राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम और देश के प्रति कुछ कर गुजरने की भावना के साथ ये पूरे कार्यक्रम में भाग लिया और राष्ट्रभक्ति को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने अपना योगदान दिया। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।